विंड टनल यानी समुन्द्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडरसी रोड टनल है जो टू वे बनाया गया है, एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, विच मीन्स हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, विच विल डायरेक्टली लैंड अस अप एट द प्रियदर्शनी पार्क। 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल यू कैन क्रॉस इन जस्ट 3 मिनट्स। No traffic lights and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. Tunnels ke andar saccado ventilation system install kiye gaye hain jisse constant ventilation hamesha bana rahega. Well, ye tunnel partially under sea aur partially under hill hai and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lanes. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है पेडेस्ट्रियंस के लिए और 2 है व्हीकल्स के लिए एंड दिस इज फॉर एनी काइंड ऑफ एमरजेंसीज। ईच लेन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टनल्स आर डेडिकेटेड टू BST बसेस, BRTS एज वेल एज फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंस। और सेफ्टी की बिल्कुल ही चिंता मत करना बिकॉज ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से। टनल से बाहर आते ही यू विल बी कनेक्टेड टू एन इंटरचेंज जो ब्यूटिफुली पानी के ऊपर एक सर्कुलर मोशन में गुजरेगा। इंटरचेंजेस वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। इट हैज 3 इंटरचेंजेस, सो इन बिटवीन ऑल्सो पीपल कैन क्लाइंब अप ऑन द रोड, वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट, सॉरी नेपिनसी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है, तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी फॉर मुंबईकर्स हु कैन कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड एक्सेस कोस्टल रोड। मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा जहाँ वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। रिक्लेम लैंड पर समुन्द्र को चीर कर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द इंजीनियरिंग दैट गोज इन द मेकिंग। सो दिस इज द मेन ब्रिज दैट इज गोइंग टू कनेक्ट कोस्टल रोड विद द बांद्रा वर्ली सीलिंग फ्रॉम द वर्ली साइट। इंटरेस्टिंगली इनफ द वेट ऑफ ईच स्पैन हियर इज 2100 टन्स एंड इफ यू कंपेयर दैट विद एन एयरक्राफ्ट, द वेट ऑफ वन एयरक्राफ्ट इज 70 टन्स, व्हिच मींस इफ यू पुट 30 एयरक्राफ्ट टुगेदर दैट्स द